सीखेंगे कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को, बाइनोमियल को या ट्राइनोमियल को कैसे किसी बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी आपस में एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको देखने से पहले कुछ बेसिक मल्टीप्लीकेशन की वीडियोज देख लेना इससे पहले की, उसके बाद ये देखना। ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.4 से लिए हैं, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x plus 5 को आपको 4x minus 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है मल्टीप्लीकेशन, कैसे करते हैं, देखो आपको पता है ये पूरा टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, बट इसमें दो टर्म्स हैं 2x और 5, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को सबसे पहले आप 4x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर 2x को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और दोनों आंसर्स को यहाँ लिखेंगे। तो 2x पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, 8x स्क्वायर, x 2 है तो x स्क्वायर, ठीक है, फिर 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 3 6x, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका काम खत्म हो गया, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकेंड टर्म, फर्स्ट बाइनोमियल के सेकेंड टर्म देखो, प्लस 5 है, प्लस 5 को फिर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, तो प्लस 5 4x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 20x, उसके बाद प्लस 5 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस 15, ठीक है, ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको बेसिक प्लस माइनस का रूल लगाना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए, उसके लिए पिछले वीडियोस प्लीज देखना। तो आपको लाइक टर्म ढूंढनी है, लाइक टर्म ढूंढ जैसे ही मिल जाए उसको प्लस या माइनस करो अकॉर्डिंग टू द साइन। तो 8x स्क्वायर के साथ कोई भी लाइक टर्म यहाँ नहीं है, तो 8x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिखूंगी, इसको मैं किसी के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकती। माइनस 6x प्लस 20x, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो इनको आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो एक माइनस है, एक प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करो, आंसर आएगा 14x। साइन किस चीज का आएगा, जिसके पास जो बड़ा नंबर है उसके पास जो साइन है, तो प्लस और ये माइनस 15 कॉन्स्टेंट है, किसी के साथ ट्रीट नहीं होगा, तो ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका फिफ्थ पार्ट, 2pq प्लस 3q स्क्वायर, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो इसको भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। 2pq इंटू 3pq, तो ये हो जाएगा 6p² q² 2p हो गए, 2q हो गए, ठीक है। अब साइन, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेकेंड टर्म के साथ 2pq इंटू 2q², तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 इंटू 2 इज 4 pq³। देखो यहाँ पे q कितना है, 1, और यहाँ पे है 2, तो q हो गया मेरे पास 3, और p जो है वो 1 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका काम खत्म हुआ, ये टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब ये करेंगे, ठीक है। देखो 3q² को आप मल्टीप्लाई करोगे pq के साथ, तो 3 इंटू 3 इज 9, साइन आएगा प्लस का, दोनों पॉजिटिव है, q² pq, तो pq³, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस 3q² इंटू माइनस 2q², तो 3 टू 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस 6, q² हो जाएगा q4, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसके जैसी लाइक टर्म आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी, तो 6p² q² एज इट इज, ठीक है। ये दोनों लाइक टर्म है, देखो इनके साथ p की पावर 1 है, इधर भी p की पावर 1 है, q की पावर 3 है, इधर भी q की पावर 3 है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक है, तो प्लस माइनस वुड बी माइनस माइनस 5pq³, और ये फिर से अनलाइक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, उसका सिक्स पार्ट मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो देखते हैं कैसे करना है। ये एक बाइनोमियल है और एक ये ट्राइनोमियल है, सेम वही कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है, एक एक करके सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, ठीक है। तो यही पैटर्न फॉलो होगा, x को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर x को xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² y आएगा, ठीक है, क्योंकि 2x हो गए, ओके। x को फिर y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x y² आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसका काम खत्म हो गया, यानी कि x तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब आपको y के साथ सेम चीज करनी है।
तो y को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो y पहले x square से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा y x square, ठीक है। नेक्स्ट y x y से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस x y square, ओके। देन y को मल्टीप्लाई करोगे y square के साथ तो it will be y cube, ठीक है। अब आपको ढूंढना है लाइक टर्म्स और उनको एड सब्ट्रैक्ट करना है, तो x क्यूब की जगह पे कोई नहीं है, x क्यूब की लाइक टर्म कहीं पे भी नहीं है, तो x क्यूब लिख दो एज इट इज, ठीक है। x square y, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना, तो ये देखो एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, इसमें भी x square है और इसमें भी x square है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ये दोनों है लाइक टर्म, एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी दोनों को माइनस करो, सेम चीज में से सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है यानी कि जीरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, या यहाँ पे जीरो लिखना चाहते हो तो जीरो लिख सकते हो, बट कोई पॉइंट नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो अगेन वही सेम चीज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल कर दो, ठीक है। लास्ट में बचा क्या, प्लस वाई क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फिर से ए को आपको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को तीनों के साथ करना है, फिर सी को तीनों के साथ करना है, ठीक है। तो ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी विल बी ए बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, देखो ए इंटू माइनस सी करोगे तो माइनस ए सी आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। साइंस का बहुत ध्यान रखना है, जितना फोकस रहेगा क्वेश्चन पे उतने गलतियां कम होंगी। अब नेक्स्ट ए की, ए का काम खत्म हो गया, ए को मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, अब बी को, तो बी इंटू ए वुड बी अगेन बी ए, बी इंटू बी वुड बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी वुड बी माइनस बी सी, ठीक है। नेक्स्ट बी का काम भी हो गया, अब सी का, सी इंटू ए वुड बी सी ए, c into b would be cb, c into c would be minus c square, ठीक है। आपको सारी चीजें मल्टीप्लाई करना आ गया, ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। अब आपको फिर से लाइक टर्म ढूंढनी है और उनको सॉल्व करना है, तो a square का देखो कोई लाइक टर्म है नहीं है, a square as it is लिखो, ठीक है। ab जैसा कोई टर्म है, हाँ ये रहा, ठीक है, ab दो है, एक ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को कैंसिल मत कर देना, प्लस 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 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 ए बी, ठीक है, दो हो गए ना ए बी प्लस हो के, ओके। अब माइनस ए सी, ए सी जैसा कुछ ढूंढो, ये तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो चुका है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर जैसा कोई भी लाइक टर्म नहीं है। आगे देखते हैं माइनस बी सी, माइनस बी सी, बी सी और ये देखो सी बी दोनों लाइक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। एंड में क्या बच गया, माइनस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में।